सर ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग कि यार आप तो छोटा सा काम करते हो, ये टाई वाई लगाने की क्या जरूरत है। आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं खुश हूँ उस कार्य में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा हौसला बढ़ाया जाए। हमने तो पड़ोसी ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी जहाँ डूबी वहाँ सहारा कम था, किसी के पास पैसे नहीं होते तो भी मैं काम कर देता हूँ। और मेरे पास ऑनलाइन का भी काम है जी, मैं ऑनलाइन भी पेमेंट करता हूँ किसी के पास। नमस्कार, प्रणाम, राम राम। मैं लक्ष्मण यादव और थे देखने लाग रहे हो लक्ष्मण के वीडियो। आज को जो वीडियो है वो हनुमानगढ़ जंक्शन को है, और हनुमानगढ़ जंक्शन में एक ईसा शख्स है जी का मोची को कार्य करे, और जी का आज एक कर्मचारी या कोई अधिकारी ऑफिस के अंदर जावा है तो भी आपकी पूरी ड्रेस के सागे तैयार हो गए जी जावा बीतरिया ये आपकी दुकान के अंदर आवे, और अंगो जी को रहनो और जी का कपड़ा पहन के जी की कोर्ट के अंदर आनो वो अलग ही तरीके को है, अलग ही अंगो जीवन है। तो आज आप बात करांगा हूँ भी किया और सिस्टम बना रखे है, एक आप मजदूरी करने वाला मजदूर है तो वो भी कोर्ट में ही जाओ भी सही कपड़ा पहन है, ये भी है जी को एक मोची को कार्य करे है, फिर भी आपको जी की रहन सहन है भी में घड़ी बदलाव को नहीं है, जबरदस्त क्वालिटी के साग है ये आपकी दुकान पर आवे और आपको कार्य करे, तो आज आप बात करांगा दोस्तों बे जी का मोची है जी का काम करने लग रहे हैं, अब बात करांगा आप। तो थारो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। थारो पूरा परिचय बताओ, के नाम है थारो? मेरा नाम रोशन सिंह रामदासी है। अठे की दुकान पर काम करता है धन कितने तो समय हो गयो? लमसम 2 साल हो गए जी। यहाँ 2 साल हो गए। और ओ थारो पैतृक धंधो रेड़ो है कि या थे वो शुरू अभी करी है? नहीं, मैं शुरू से जानता हूँ इसको, पहले से कर रहा था, पहले लगभग 13 सालों से कर रहा हूँ कार्य में। वैसे मेरे को उसको काम करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन कोई मजदूरी के कारण कर रहा हूँ ये काम। क्या मजदूरी है? मैं एक तो कुछ बनना चाहता था, वो बन नहीं सका मैं पढ़ाई नहीं कर सका कुछ घर की आर्थिक तंगी के कारण, जो मैं सफल नहीं हो सका, तो मेरे को मजदूरी ये कार्य करना पड़ा। जी की थारी पहनने की जी की ड्रेस है इन कोर्ट में आने को के तात्पर्य है, के कारण है जी थे आज एक मोची को कार्य करे, तो ये ड्रेस के अंदर है आप कठे भी देखा तो इधर यहाँ कौन मिले? ये जी मेरा बचपन का शौक है जी, मैं शुरू से ही चाहता था भी मैं इस तरीके से रहूँ, और भी मेरे को भी देखे को दूसरा भी इस तरह से जी सकता है, कोई बुरा काम नहीं है, ये ढंग से रहना ये सबका अधिकार है। हाँ, अधिकार तो सबको ये है, मतलब आज जी का लोग देखने वाला है बे लोग यहाँ सोचे भी एक जी को मोची को काम करने वाला वो तो हमारे बराबर जी, आज बैंक को मैनेजर है वो भी यहाँ सोचे है भी मैं बी कोर्ट में और भी मैं ये हुआ है, इन तरह कोई बात भी होगी थारे सागे? नहीं सर, ऐसा भी बोलते हैं कुछ लोग कि यार आप तो छोटा सा काम करते हो, ये टाई वाई लगाने की क्या जरूरत है, सादे कपड़े भी पहन के आ सकते हो। तो बोला क्यों इसकी तोहिन कर रहे हो आप? मैं कहा जी ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरे को कोई नहीं रोक सकता इसके लिए। नहीं तो इन आई थी तो कोई बात ही कोई नहीं, कपड़ा पहनना कोई तोहिन थोड़ी हो है। नहीं, कई लोग जिनको बुरा लगता है सर वो टोक देते हैं, क्या बुरी बात कह देते हैं। तो थे अठे अब कठे रहो? मैं भी अपने भट्टा कॉलोनी रहता हूँ हनुमानगंज जंक्शन। सारा परिवार के अंदर कौन कौन है? परिवार में 2 बहने हैं जी मेरी, 4 भांजी हैं मेरी, मेरे साथ रहते हैं। पढ़ाई के अंदर क्या कर रखे है? पढ़ाई में सर 10वीं तक मैंने पढ़ाई करी है जी। थे को मैंने 2 साल हो गया वो काम करते हैं, भी पहले के काम करे करता? पहले सर मैं धागा मिल में काम किया थी मैंने 15 साल, फिर मैंने छोड़ दी थी, वहाँ के अंदर भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा थी जी, मजदूर कोई खुश नहीं था, काम पूरा करता था लेकिन भ्रष्टाचारी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मिल भी बंद हो चुकी है सारी, मैनेजमेंट ने उस मिल के ताला लगा दिया जी। थे काम करने लाग रहे हो मोची वाली में थारी मजदूरी पड़ जाएगी पल्ले थारे? हाँ सर, मेरा गुजारा होता है लमसम 400-500 रुपये बन जाते हैं मेरे इसमें। तो थारो के टाइमिंग रिवार्ड है दुकान को? टाइम सर मैं 8-8:30 बजे लमसम आता हूँ, लेकिन बराबर आता हूँ सर, मैं डेली हाजिरी लगाता हूँ, अगर वाई दी में लेट भी हो गया तो भी मैं आता हूँ, जो मेरा इंतजार करता है उसको इंतजार नहीं करना पड़ता, मैं 100% आता हूँ। अगर वाई दी में लंच में जाता हूँ तो मेरा फोन आता पीछे से कोई, तो मैं खाना छोड़ के तुरंत आके उसका काम करता हूँ। लंच को क्या टाइम रहा? लंच सर मैं 1 बजे के लमसम जाता हूँ, घंटा 1.5 घंटा लंच करता हूँ जी मैं दोपहर में। सुबह और शाम को क्या टाइमिंग है? सवेरे में 9 बजे के आसपास आता हूँ जी, 1 बजे तक ड्यूटी करता हूँ, फिर लमसम 3 बजे के बाद 7-7:30 बजे तक ड्यूटी करता हूँ। देखने वाला जी का दर्शक है बने थे, के संदेश देना चाहोगे आज जी की थे थारी पर्सनैलिटी के साथ आठे थारी दुकान पर आओ भी कोई भी कार्य है तो वो किन तरीके भी किन ड्रेस में भी आदमी कर सके? कर सकता है जी, ये आप अपना एक जीवन सिद्ध अधिकार है भी, कोई भी कार्य अगर सही ढंग से करता है तो उसको किसी की कोई आपत्ति नहीं है, ये अपनी इच्छा से कर सकता है कोई भी काम कर रहा है। तो आप जी को थे वो काम करने लग रहे हैं अंदर संतुष्ट हो गए? मैं संतुष्ट हूँ जी, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं कोई टूटा फूटा आता है किसी के पास पैसे नहीं होते तो भी मैं काम कर देता हूँ।
और मेरे पास ऑनलाइन का भी काम है जी, मैं ऑनलाइन भी पेमेंट करता हूँ, किसी के पास पैसा नहीं होता तो मैं नहीं। अच्छा, ऑनलाइन भी पैसा नहीं है तो ये मदद करा सके अगलो अभी बहुत बड़ी सुविधा है। अगर किसी के पास खाने के लिए पैसा नहीं होता तो मैं उसकी मदद करता हूँ सर। बहुत अच्छी बात है। और ये कार्य करने के अनुसार थाने कोई सी दिक्कत आई कि और भी जिया थे आज जगह बैठे हुआ कोई थारी आपकी पैतृक जगह तो है कौन जी में बैठे हुआ तार कोई अड़चन आई? अड़चन आई जी, यहाँ को कई ने त्राज किया था कि बोला ये तो हमारी जगह है आप यहाँ कैसे बैठ गए, लेकिन मैं कहा जी मैं तो फुटबाथ ही बैठा हूँ अपना टाइम पास कर रहा हूँ, अगर किसी को आपत्ति है तो मैं चला जाऊँ यहाँ से उठ के, लेकिन फिर बाद में सब पीछे हट गए। और के समस्या रही है जी की थे बैठो भी हूँ और थर कने जी का ग्राहक आवा है कोई आठों जी का रस्तों गुजरे बे कोई लोग बाग थारों कोई बात करे के इतनी बात कोई हुई है? बातचीत करते हैं जी, कई लोग फोटो खींच के ले जाते हैं, बहुत लोग खुश होते हैं, कोई कई बच्चे भी खुश होते हैं, घर से निकलता हूँ तो कई बच्चे इंतजार करते रहते हैं कि वो आए अंकल आएंगे, कोई जादूगर कहता है कोई टाइगर कहता है कोई कुछ कहता है जी, मेरे से बहुत खुश होते हैं बच्चे। तो थे थारे जीवन में खुश हो जी को कार्य करना लग रहे हो? हाँ जी, मैं अपनी अपनी खुशी से काम कर रहा हूँ और सही काम करता हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा, यानी जो काम करता हूँ पूरा करता हूँ। दर्शकों और के संदेश देना चाहूँगा जी इंद्रियांग थे कार्य करो भी मैं भाई, मैं चाहता हूँ भाई जैसे मैं ईमानदारी से काम करता तो हर एक कर्मचारी भी इस तरह से अगर काम करे तो देश की गंदगी खत्म हो जाएगी। ड्रेस कोड के अंदर जी को इंसान आ गया आपकी दुकानदारी इन्हें कोई छोटो कार्य को नहीं हुआ, कोई भी काम करे और काम करना ना हो मांगना हो भीख मांगना चोरी चकारी करना ना हो तो आपकी जी की दुकानदारी को कार्य करे मजदूरी करके जी को आपको पालन पोषण करे, तो बिना भी मैं आ चाहूँगा कि सरकार की तरफ हूँ जी को कोई सम्मान या कोई यानी सम्मानित करने को कार्यक्रम है जी को करना चाहिए। यूँ की है कि हर आदमी ने बढ़ावा मिले वो भी अच्छा हुआ भी इन तरीके काम में कोई दिक्कत को नहीं हुआ तो करना चाहिए, तो समाज के लिए अच्छा संदेश दवा है तो थे कैसा हो इनके बारे में बताओ। सर मैं तो ये चाहता हूँ भी जैसे मैं जी रहा हूँ और भी लोग जी से हैं, मेरी ये तमन्ना शुरू से ही है जी मैं ढंग से जीऊँ, मेरे को नहीं पता भी मेरे को इस तरह का काम करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं खुश हूँ उस कार्य में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा हौसला बढ़ाया जाए। ठीक है मैं नौकरी नहीं कर सका कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ इस तरह अपने कार्य से। नहीं थारी जी की पर्सनैलिटी है आप देख गए और भी जी का पत्रकार है मीडिया के अंदर थारा काफ़ी वीडियो भी ऐड है आ चीज़ सब लोगों ने दर्शकों ने पसंद आई है ये वास्ते मैं आज अड़े पहुँची हूँ, तो और कुछ कहना चाहूँगा? सर कहना तो मैं यही चाहूँगा जी, मेरा एक शायर है जी, कदर कर लो उन लोगों की जो बिना बेवजह झूठी तारीफ करते हैं, कदर कर लो उन लोगों की जो बिना बेवजह झूठी तारीफ करते हैं, मददगार कम होते हैं तकलीफ देने वाले ज़्यादा होते हैं, बादलों को देखा था एक अजीब सी साजिश थी, मेरा ही घर मिट्टी का था मेरे ही घर में बारिश थी, घर जिद है उसकी बिजलियाँ गिराने की तो मेरी भी जिद है आशियाना वहीं बनाने की, हमने तो पड़ोसी ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती दे जहाँ डूबी वहाँ सहारा कम था। आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आके यहाँ मेरा टाइम लिया और मेरा हौसला बढ़ाया, मैं बहुत खुश हूँ आपसे। और पूरा परिचय बताओ। मेरा नाम सतीश कुमार, मैं मक्कासर से रहता हूँ जी, और मेरा यहाँ रिक्को के अंदर काम है, प्रेस मशीन लगी हुई है। क्या जी का भाई साहब है मोची को कार्य करे आने थे कितने समय में जानो? इनको करीब मैं 3 साल से जान रहा हूँ सर। क्या जी की ड्रेस के अंदर आवा आने देखता है थाने कितने समय हो गया? ये मैं इनको उसी टाइम से देख रहा हूँ जब से मैं इनसे मिला हूँ, बहुत अच्छा काम है इनका, मतलब कि अगर कोई आदमी अपने ड्रेस में आता है अच्छी ड्रेस में आता है तो सब लोगों को एक अच्छा संदेश मिलता है इसमें। खाने की अलग खुशी हो कि भी आज एक मोची कार्य करने वालों आपके मतलब धो गए कपड़ा और अच्छा तरीकों पैर गया हुआ तो बढ़िया लगेगा? मेरे को जी बहुत बढ़िया लगता है, कोई भी इंसान अगर अच्छा रहेगा तो समाज के लिए एक अच्छा संदेश ही है, तो मैं भी इनका बहुत हौसला बढ़ाता हूँ कि अगर ये और भी अच्छे ड्रेस में है तो और भी अच्छा लोगों को संदेश जाएगा जी। धन्यवाद जी। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर करियो, सागे थारी कोई प्रतिक्रिया हो तो कमेंट में लिख के जरूर भेजियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।